दोस्तों Redmi Note 14 Pro के बारे में लीक्स रिपोर्ट सामने आई है। दोस्तों 2024 की शुरुआत में कंपनी ने Redmi Note 13 सीरीज को लॉन्च किया था और इसकी अगली सीरीज में कई कमाल के फीचर्स मिलने वाले हैं जिनके बारे में जानकर यूजर्स खुश हो जाएंगे। तो दोस्तों आइए जानते हैं Redmi Note 14 Pro के बारे में। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को जरा भी स्किप मत कीजिएगा और जो भी इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को अभी जल्दी से सब्सक्राइब कर ले क्योंकि हम आपके लिए हमेशा ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं। दोस्तों Redmi Note 13 सीरीज को इस साल जनवरी में भारतीय बाजार में उतारा गया है और Redmi जल्द ही अपनी इस सीरीज को अपग्रेड करने वाली है। दोस्तों Xiaomi की इस मिड बजट सीरीज से जुड़ी नई लीक सामने आई है जिसमें इसके प्रो मॉडल के कुछ फीचर्स सामने आए हैं। दोस्तों Redmi Note 14 सीरीज में स्टैंडर्ड मॉडल के साथ साथ Redmi Note 14 Pro और Redmi Note 14 Pro Plus भी लॉन्च हो सकती है। दोस्तों Xiaomi अपनी इस मिड बजट स्मार्टफोन सीरीज को पहले घरेलू मार्केट यानी कि चीन में लॉन्च करेगी और बाद में इसे भारत और कई अन्य बाजारों में भी उसे उतारा जाएगा। दोस्तों चाइना की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Weibo पर डिजिटल चैट स्टेशन के नाम से जाने माने टिप्सर्स ने Redmi के अपकमिंग फोन के फीचर्स के बारे में जानकारी शेयर की है। दोस्तों रिपोर्ट की माने तो Redmi का ये फोन 50 मेगापिक्सल कैमरा के साथ आएगा जिसमें बड़ा सेंसर दिया जा सकता है और इसके अलावा फोन के बैक में एक टेलीफोटो कैमरा भी मिलेगा। दोस्तों Redmi के इस फोन में प्रीमियम स्मार्टफोन की तरह 1.5K रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले दिया जाएगा। हालांकि फोन का डिस्प्ले फ्लैट होगा या क्वाड ये अभी साफ नहीं है। दोस्तों Redmi Note 14 Pro को इससे पहले IMEI डेटाबेस में देखा गया था और टेस्टिंग में Redmi के इस फोन के प्रोसेसर और बैटरी की डिटेल सामने आई थी। दोस्तों Redmi का यह फोन क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 7S जनरेशन 3 प्रोसेसर और 5000mAh की बैटरी मिल सकती है। हालांकि Redmi ने इस साल लॉन्च हुए Redmi Note 13 Pro में 200 मेगापिक्सल कैमरा दिया है और दोस्तों आपको बता दें कि Redmi Note 14 Pro इस साल सितंबर में लॉन्च किया जा सकता है।